अस्सलाम वालेकुम। ये जी अली साहब भी आ गए हैं, ईमान की ग्लासेस टूट गई थी और अभी हम बनवाने आए हैं और देखते हैं। ये हैदर तंग कर रहा है, दरवाज़ा बंद कर दो अली, देखते हैं कैसा फ्रेम मिलता है, क्योंकि जो पहला था ना ईमान का वो बहुत अच्छा था, लाइट वेट भी था और अली को भी चेक करवाना है ना, अली की भी ग्लासेस शायद लग जाएंगी क्योंकि इसकी भी नज़र वीक है। और हैदर साहब जो है ना वो झूले ले रहे भाई, ये अभी हमें दिखा रहे हैं और शीशे जो है ना वो वही हमने लगवाने बीच में, देख लेते हैं अगर तो पूरे आ गए ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं ना कि वो चेंज करने पड़ेंगे नहीं फ्रेम। ये मेरी जैसी है, मैं ये देखो सेम मेरी जैसी है वो ना राउंड में है, ये देखें ये, लेकिन ये ब्लू में है तो पिंक में है, देखना है देखें कहीं और शायद हो। ये दूसरा रैक खोला है भाई ने, ये भी इधर भी काफ़ी फ्रेम्स पड़े हुए हैं। एक मिनट बेटे, ये सारे बड़े बड़े लग रहे हैं। ये दिखाइए भाई ये पिंक वाला, लेकिन इसका ये वो दिखाएं, वैसे दिखाएं तो सही निकाल के। कौन सा ये वाला? ये पर्पल है लेकिन वो पहले शीशे गोल है। नहीं साइज वो लंबाई है ना, वैसे तो पिंक में भी पड़ा है वो ऐसा ही। इस साइड से देखना शायद मिल जाए, ऐसी तो लगाई हुई है। ये अंकल देख रहे हैं हैदर, इमान पीछे बैठे हैदर नो, हैदर नो, बड़ा है आपके, बड़ा होना है फ्रेम। ये जी तीसरा रैक खोला है भाई ने और सारे ब्लैक ही नजर आ रहे हैं, वो रेड में भी है मान, वो देखो रेड वो सबसे एंड पे, वो ये पिंक पड़ा हुआ देखे भाई, वो बड़ा लग रहा है मुझे अंकल, वो सबसे एंड पे। अच्छा देख लेते हैं, वो भी बड़ा है, बड़ा है फ्रेम। मैं पता है कैसी चाहता हूँ ग्लासेस, इधर आए एक मिनट, ये वाली ग्लासेस जैसी मोहित्री की लगी, ये वाली ये साइज है मुझे लगता है ना, लेकिन नहीं ब्लैक है ये, नहीं ब्लैक, नहीं ब्लैक है मान लेना, ब्लैक नहीं अच्छा लगता, दादी अम्मा लगोगी। वो पिंक भी है उसमें भी नहीं लगेगा, ये साल हो गया इसको बनवाए हुए तो अब मुझे लगता है वो फ्रेम भी नहीं है, वो लाइट इतना था ना उसका। ये रेड भी है, ये अच्छा सा मैं से सूट करे, मैं से को सूट करे, वो सूट करता है, सभी सूट कर जाती है, मामा नहीं करते ये, मैं तो सूट भाई उधर साइड पे देख लें कहीं शायद हो। हैदर साहब जो है ना वो एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह, कभी उधर कभी उधर, नो लॉक नहीं खोलना है इस वाले मशीन से, ये कट करके तो फिर बनाते हैं शीशे। हैदर आप इधर आ जाओ, अली इसको पकड़ो, अब देखना इसकी तबीयत सही होगी। उन्होंने दरवाज़ा खोला था कि टेम्परेचर अंदर का सही रहे और हैदर साहब की वजह से हमें बंद करना पड़ा है। पूछ रहा है जाके मिला कि नहीं, हैदर इधर आ जाओ, हैदर पूरी शॉप में हम ही हैं फिर रहे। इधर बड़ों की हैं, अली ईमान नहीं करो बेटा, इधर बैटरी उई बॉल, सारे बटन उधर है यार, देखेंगे ना बड़ा ना लगे मुंह पे, दिखाओ ईमान इधर, बड़ा नहीं है छोटे ही हैं ये सारे, मम्मा ये भी है इधर बेटा, अली देखो बेटा दिखाओ इधर, ये भी छोटा है, ब्लैक साइड्स पे, ब्लैक ना हो भाई कोई कलरफुल हो,
ये देखो सारों में से किसका छोटा है, ये अच्छा लग रहा है ना, ये इसका मैंने सबसे पहले आके देखा था, इसका साइज छोटा है फ्रेम ये वाला, और इसकी साइड्स जो है ना ये ऐसी है, भी मुझे लगता है छोटा है, देखो तो ये पिंक ज्यादा अच्छा लग रहा है मम्मा, पिंक अच्छा लग रहा है ओए मुझे और अच्छा अली को पकड़ो इसको, ये पिंक अच्छा है शायद, ये नहीं अच्छा है ये देखो, वही ट्रांसपेरेंट ही लेना है, ट्रांसपेरेंट ही लेना है, ये भी लगा के देखो छोटा है, ये उससे भी छोटा है, मन देखो तो दिखाओ तो सही, नहीं फेस पे अच्छा लगे ना, ये वाला ही क्योंकि ऐसी ही इसकी गली भी थी ना, नजर सही आ रहा है, लंबी लंबी है ना, ये दिखाओ इधर, हम अपने कामों में लगे हुए हैं और नवाब साहब अपने कामों में लगे हुए हैं, चलें फिर ही देख लें, वही सही है, सर दुखता है बेटे, अभी तो इसमें शीशे ही नहीं है, ग्लासेस नहीं डाले हैं, अभी तो फ्रेम है अकेला, बाहर रोड पे चला जाता है, हाँ बाबा लेके जाए बेटे, चले अच्छा चले मैं इसको बाहर लेके जाती हूँ, देख लें 1000 ले लें, ये हैदर ने बहुत तंग किया हुआ है हमें, अब मैं इसके पीछे पीछे हूँ, है ना हैदर, अच्छा इधर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, देख ले, नो नो मैं मारूंगी आपको, चलो इधर चल बाबा के पास चलो, भाई इधर बनाने लगे हैं ग्लासेस शीशे को कट करके, और इधर हैदर जो है ना रोई जा रहा है, नहीं मैंने नहीं पकड़ना है, और काबू ही नहीं आता किसी के पास, ईमान इसको पकड़ो मैं दिखाऊं, ये मशीन है और इसमें से ऐसे आवाज आएगी जैसे वो ड्रिल वगैरह चल रही होती है, कटर से काटते हैं, ईमान इसको पकड़ो भाई को, बहुत ज्यादा तंग कर रहा है अली, इसको बेटे पोएम्स लगा दो, इसको लगा दे, कैसे लगाऊं बाबा के नहीं है ना उसके मोबाइल पे, ये गेम जो खेल रहे हो इसको दिखाओ, ये अब जी हैदर को भाई ने पकड़ा हुआ है और पॉइंट्स लगा के दिए हैं, नहीं तो बहुत तंग कर रहा था, और इतने वो काट रहे हैं ना प्लास्टिक शीशा जो है, और इतनी स्मेल सी आ रही है, अली की चेक करवानी है डॉक्टर से, और ईमान की भी एक दफ़ा डॉक्टर साहब से चेक करवाएंगे, नहीं बेटे साहिवाल जाएंगे या लाहौर फिर करवा लेंगे, फिर मैं नहीं जी, ईमान की ग्लासेस बन गई हैं, अभी फिक्स नहीं किए, इतना मोटा शीशा होता है उसको काट के ना बारीक सा करते हैं मशीन से, ये अंकल फिक्स कर देंगे ना फिर, बोला
लगा के देखो मैम, थोड़ा सा चेंज लगेगा क्योंकि न्यू है ना फ्रेम भी। क्लियर है? बड़ी बड़ी लग रही है थोड़ी सी। वाह ईमान का तो ये बॉक्स भी अब पिंक आ गया, लास्ट टाइम ये वाला था ना, दोनों कलर हो गए ग्रीन और पिंक। बाबा चले गए, वो बाबा फिर रहे हैं हैदर को लेके। ये भाई ये ना इसका एक निकल जाता है एक, वो हम पिछली दफा भी भाई से लगवाई थी, वो पता नहीं गम से लगा दी थी उन्होंने। ये इस तरह निकलता रहे? नहीं नहीं ये नहीं, ये शीशा निकल जाता है। कौन सा था, एक निकलता कि दोनों? एक निकलता है, ज्यादा ना पता नहीं, वो गम लगाई थी। ये देखा ना निकल गया, ये वाला ही मुझे लगता है निकलता है ज्यादा। ये हमने लाहौर से बनवाई थी तो इसी वजह से, इसी दुख की वजह से हमने ना चेंज की थी। इसका बहुत जल्दी निकलता है, थोड़ा लूज है इस वजह से बार बार निकलता है। इसकी कजन की भी थी सेम, दोनों की थी, उसका भी यही हाल था, दोनों की निकलते थे ना। अब पहले मेरी ग्लासेस के बॉक्सेस होते थे घर में, और अब ईमान के हैं, फिर लाला साहब भी हो जाएंगे और सब एनकू है ना। ये इनकी शॉप का नाम है ऑप्टिक जोन। नहीं गया गाड़ी में ठगर साहब, इंजॉय कर रहा है भाई, निकला है ना। आज का व्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ये बस ग्लासेस व्लॉग था ईमान का। सर दुख रहा है ना, थोड़ा सा भारी भारी हो जाएगा। चलो कोई नहीं, पैनाडोल पी लेना। अल्लाह हाफिज। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ईमान का भी मूड नहीं है क्योंकि वो चेंज चेंज उसको हो रहा है। क्या समझ नहीं लग रही? हाँ अभी हिम्मत नहीं है ईमान की, बाद में भूलेगी।